किसके जैसे है? गीता अंबानी। गीता अंबानी के जैसे कान है इसका। किसके जैसे है? गीता अंबानी। गीता अंबानी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है नगनिका? हाँ। ये तो सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे कान किसके जैसे है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। खुल के बोलो गुड मॉर्निंग। देख सकते हो सुबह हो चुकी है। क्या? अच्छा आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है। कनिका तुम भी कुछ बोलना चाहती हो? दो मैं उठा देती हूँ। तुम भी कुछ बोलना चाहती हो? अब आ जाओ मेरी गोदी में। ये हीरे जवाहरात लेके लड्डू घूम रही है। क्या करोगी इसका? घी जाएगा। इसका क्या करोगी तुम? पूरा दाल चावल खा के भरी हुई है। इसका क्या करोगी? मुंह पोछ दिए हैं, कपड़े में लगा है, कपड़ा चेंज कर देंगे। जूता पहना देना। छोटे बच्चे ऐसे ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? कोई बात नहीं। अच्छा लड्डू कैसी हो? तुम्हारा कान कैसा है? पता है क्या बोलती है? कल क्या बोल रही थी? हाँ पूरा बोल, पूरा बोल, जल्दी बोल। कान किसके जैसा है? मेरे कान किसके जैसा है? हाँ किसके जैसा है? कनिका का। कनिका का कान नीता अंबानी के जैसा है ना? हाँ। पूरा बोलती है। बोल दे एक बार, किसके जैसा है? नीता अंबानी के जैसा है, बोल दे। नहीं। कल पूरा बोल रही थी, पता है किसके जैसा है? नीता अंबानी। नीता अंबानी बेटा। नीता अंबानी। हाँ नीता अंबानी। कनिका तुम्हारा कान कैसा है? अच्छा। अरे किसके जैसा है? किसके जैसा है? नीता अंबानी। किसके जैसा है? नीता अंबानी। नीता अंबानी के जैसे कान है इसका। किसके जैसा है? नीता अंबानी। नीता अंबानी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है नगनिका? हाँ। ये तो सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे कान किसके जैसे हैं? पते। अरे किसके जैसे हैं? हाँ। नीता अंबानी। नीता अंबानी। नीता अंबानी। हाँ नीता अंबानी। तो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है अनमोल, दिखा दो थोड़ा। हम लोग इतने सारे मोती से, तो मेरे पति देव की दाढ़ी बनी हुई है, उनका वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है? डन। यहाँ पे क्या है अनमोल? अनमोल तुम इतनी सारी मोती से खेल लोगे तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगी इससे? इतने सारे पैसा है ना मेरे पास, पैसा भी देते जाऊंगा तो थोड़ा सा पैसा खत्म हो जाएगा। मैं जब थोड़ा सा होगा ना उसके अंदर तो मैं डाल दूंगा उसके अंदर। मेरे कटोरे में डाल दोगे तुम पैसा? नहीं उसके अंदर जो तुमने खत्म हो जाएगा ना तुम्हारे अकाउंट में। अकाउंट में होगा। अच्छा तुम अकाउंट की बात कर रहे हो? हाँ। तुम क्या दोगे? खुद कुछ कमाते ठीक है, तो तुम्हारी जो यूट्यूब की इनकम है वो मैं ले लूंगी, ठीक है? खत्म हो जाएगा ना। ये देखो ये भी, इन दोनों ने मतलब जब से कमाना शुरू किया है ना, इन दोनों ने सामान बर्बाद करना शुरू किया है। हाँ। और मैं डांटूंगी तो बोलते हैं कि वो जो मेरा वाला पैसा आया है ना उसमें से मैं दे दूंगा। हाँ, मैं दे दूंगा, फिर खेलते रहूंगा, फिर दे दूंगा, फिर खेलते रहूंगा। घर में मतलब इतने छोटे छोटे अगर कमाने वाले हो जाए ना तो इसके भी साइड इफेक्ट है, नुकसान है। इसीलिए मैंने रखा है अपने पास इतने सारे खिलौने। हाँ तुम्हारा भी देख लूँ। हाँ तुम लोग कमाओ बर्बाद करो यही करो। नहीं मेरा मेरा खिलौना हुआ, मैं लूँ तो लाशें ले ले। जा जा गिर गया। ठीक है ये मैं खिलौना होता है। अदा दाल चावल लगा हुआ है जिसमें आज तक ये ऐसे ही लगा हुआ मुंह। चलो हम साफ कर देते हैं। चलो साफ कर दे। चलो लेकिन तुम मेरा बर्बाद कर रहे हो ना, इससे मैं थोड़ा और पैसा कमा लेती ना। तो तुम्हारे पास बहुत सारे है ना, वो खत्म हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। खत्म क्यों हो जाएगा? खत्म तो नहीं होगा तो मैं रख लेता हूँ। चलो चले इधर के, चलो ये रख के चलो, मुंह साफ कर देते। चलो शिक्षक।
मोती जवाहरात सारे बिखर गए। जैसे ही बच्चे लोग सो गए ना, तो उनके साथ उनके पापा को छोड़ करके मैं निकल के आ गई अपने रूम में, जहाँ कि मैं रेडी शेडी हो गई। एंड ये है मेरा ज्वेलरी बिजनेस वाला रूम। मैंने इसको इतने अच्छे से सफाई किया है कि मैंने अपना इसमें अलग अलग पार्ट निकाले हैं, जहाँ मैं आपको हल्दी स्पेशल, मेहंदी स्पेशल सेटअप करके दिखाने वाली हूँ। इसके साथ ही बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे कि मैं हल्दी की ज्वेलरी दिखाती हूँ, मेहंदी की ज्वेलरी दिखाती हूँ, या प्लेटर्स बना के दिखाती हूँ, थालियाँ, ये सब। तो वो ऐसे ही दिखाना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा सेटअप करूँ, एंड फाइनली मुझे इस रूम में करने का मौका मिला, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मोस्टली बच्चे सो गए रहते हैं। एंड आज मेरी क्लास नहीं थी, जिस दिन क्लास होता है उस दिन तो बच्चों को वहां पहुंचा के फिर 3-4 घंटे की क्लासेस होती है, बट आज ये टाइम मेरा इधर गया। तो मैंने अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। आज मैंने बच्चों को नहलाना धुलाना, खिलाने पिलाने के बाद उनको मैं सारा काम उनका करके फ्री हो गई थी। तो मैं अपने रूम में आके मैंने अपना सेटअप किया। यहाँ पे मेहंदी डेकोरेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे सामान है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनों सा सेटअप बनाने का सामान लो। आप चाहो तो जैसे मैंने दो दो हैंगिंग्स लगाई है दोनों तरफ, यानी कि 4 हैंगिंग का यूज़ किया है। आप चाहो तो इसकी जगह पर 50 हैंगिंग ले लो, 10 हैंगिंग ले लो, 20 हैंगिंग ले लो। आपको जितना बड़ा सेटअप रेडी करना आप उतना बड़ा कर सकते हो। सामान भी आप ऑर्डर करके हमसे मंगा सकते हैं। एंड इसके साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्लेटर, जो कि है वाकई में बहुत ज़्यादा ही सुंदर। ऑनलाइन से हमारे पास हमेशा रेट कम रहेगा, लेकिन मैं मोस्टली ये सारी चीज़ों को ना टैग भी कर रही हूँ, तो अगर आप चाहो तो ऑनलाइन से ले सकते हो। मैं नीचे टैग कर देती हूँ जो बिल्कुल सेम होता है, इससे मिलता जुलता उसको। और नहीं तो अगर मेरे से आप लेना चाहते हो तो मेरा नंबर दिया हुआ रहता है वीडियो में, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आज मेरे हस्बैंड नहीं थे वीडियो बनाने के लिए इस रूम में, तो मैंने अपना जूड़ा पिन ऐसे ही जैसे तैसे जल्दी जल्दी लगा लिया बस वीडियो बनाने के लिए। आज सारा शूट मैंने खुद से किया अपना वीडियो, वरना मेरे हस्बैंड कर देते थे। आज वो बच्चों के साथ थे तो मैंने इधर अपना काम खुद से कर लिया, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो उनको हम लोग अकेले ऐसे छोड़ने से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि वो अचानक जगते हैं ना, तो वो ढूंढते हैं क्या मतलब सब कहाँ चले गए। ये देखो मेरा रूम सब बोरी बोरी भर के बारात का ऑर्डर का सामान आ रखा है, एंड रूम में मैंने बहुत अच्छे से सफाई की है।